भ्रष्ट आईएएस अधिकारियों पर अब ईडी शिकंजा कसने जा रही है। उनकी जो अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित की है उसे अब जब्त करने जा रही है। इसको लेकर इस मामले को आरोप पत्र दाखिल किए गए थे जो है 2010 में और 2012 में इन पर आरोप पत्र में जो है मामले को दर्ज किया गया था, एफआईआर किया गया था इनके ऊपर। सेंथिल जो अधिकारी हैं, आईएएस अधिकारी, उनके और उनके उनके साथ जो रहने वाले सहयोगी हैं, चार लोगों पर मामला दर्ज कर अब उनकी संपत्तियों को जब्त करने जा रही है। 2,60,00,000 की संपत्ति जो है अब जब्त की जाएगी। ऐसे आईएएस अधिकारियों पर लगातार ईडी जो है शिकंजा कस रही है। उनके पास से कई अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित करने का मामला जो है वो सामने आया है और इसको लेकर कोर्ट ने आदेश दे दिया है। इसको लेकर अब जो है उन पर संपत्तियां जब्त की जाएगी। पटना समेत चेन्नई में भी उन्होंने अवैध तरीके से संपत्ति को अर्जित की है। अपने परिवार के ऊपर उन्होंने कई ट्रस्ट बना रखे थे, कई सुधा के जो मेगा मार्ट है उसे खोल रखा था। कई उनकी संपत्तियों को अब जब्त करने जा रही है। तमाम चीजों को लेकर अब जांच की जाएगी और जांच के बाद जो है आगे की कार्रवाई जो है वो आईएएस अधिकारियों पर शिकंजा कस रही है। सेंथिल और उनके पूरे परिवार के पूरी संपत्ति को जांच की जाएगी। कई जो मामले को लेकर जो है खुलासे सामने आए हैं, आपको खबर हम विस्तार से बताते हैं। पटना नगर निगम के पूर्व कमिश्नर आईएएस अधिकारी सेंथिल समेत चार लोगों पर अवैध रूप से अर्जित करने के संपत्ति के मामले दर्ज हुए हैं, जिसको लेकर 2,60,00,000 रुपए की चल अचल संपत्ति को चिन्हित करते हुए पटना जिला जज ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया था। ईडी इन सब चिन्हित की गई संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई करेगी। आगे जिन अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किए गए हैं उनमें से सेंथिल के अलावा पटना नगर निगम के तत्कालिक अपर आयुक्त बैद्यनाथ दास सेंथिल और उनके भाई और विमल कुमार शामिल हैं। सेंथिल कुमार के वर्तमान स्वास्थ्य विभाग के सचिव भी हैं और ईडी इन्हें 6 दिसंबर 2012 में केस दर्ज किया था। अनुसंधान में पाया गया कि अभियुक्तों के अपने पद का दुरुपयोग कर अवैध तरीके से आरोप अघोषित 2,60,95,455 रुपए की चल अचल संपत्ति अर्जित की है। इस मामले की जानकारी ईडी को तब हुआ जब निगरानी विभाग ने इसकी जानकारी दी। वहीं ईडी ने आरोप पत्र में कहा कि ठेकेदार विमल कुमार नाम के एक व्यक्ति द्वारा इन्फॉर्म किया गया है। भारी भुगतान के सबूत मिले हैं। विमल कुमार सेंथिल कुमार से भारी भांति परिचित थे और वह अपना पैसा विमल कुमार के पास लगाते थे। इसके लिए उन्हें विमल कुमार को बड़ी सरकारी ठेके दिए करते थे। सेंथिल कुमार ने अपनी अवैध संपत्ति को सफेद करने के लिए परिवार के सदस्यों के नाम पर एक ट्रस्ट बनाया था। मामले को लेकर आगे की जांच की जा रही है, आगे की कार्रवाई की जा रही है। उनके परिवार के नाम पर संपत्ति जो अर्जित की गई है सेंथिल कुमार के, उन परिवारों के को भी संपत्ति को जब्त करेगी ईडी और इस मामले को लेकर अब जो है आगे की जो है ईडी कार्रवाई करने में लगी हुई है और उनकी जल्द संपत्तियों को जब्त कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहे दिस न्यूज़ के साथ और देखते रहें आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं खुशियाँ भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क। अगर आप भी यूपीएससी या जेपीएससी परीक्षा में सफल होना चाहते हैं तो अभी ज्वाइन कीजिए द प्रयास इंडिया रांची को। द प्रयास इंडिया रांची में आपको बेस्ट फैकल्टी काउंसलिंग सेशंस, स्टडी मटेरियल के साथ टेस्ट सीरीज की भी व्यवस्था उपलब्ध है। तो देर किस बात की, अभी ज्वाइन करें द प्रयास इंडिया रांची और अधिक जानकारी के लिए आप 8355951603 पर कॉल करें या फिर द प्रयास इंडिया.com पर विजिट करें।